आई रिमेम्बर, ठीक है। उसमें आज हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी को थोड़ा डिस्कस करने वाले थे और डिटेल में। बट बिफोर आई स्टार्ट टॉपिक, अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हो उसमें डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। इज देर एनी डाउट इन एमसीक्यू राइट नाउ विथ यू? अभी है तो अभी पूछ सकते हो, नहीं है तो इट्स ओके। हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे फिर। है क्या किसी के पास डाउट? नहीं ना। हाँ संडे है क्या? अभी तुम वीकेंड में क्या कुछ किया थोड़ी होगा, अभी आराम कर रहे होंगे ना। ठीक है, योर विश। मेरी एक सजेशन है, कल भी मैं ऐसे फिर से पूछूंगा कि डाउट्स है क्या। आज थोड़े से एमसीक्यू कर लो, जो डाउट्स निकलते हैं कल आप डेफिनेटली पूछो उसको। ठीक है, 3 दिन लेक्चर होता है, लेट्स से मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, मेरा ये 3 दिन कंटिन्यूस में होता है। सो दिस 3 डेज एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व मोर एमसीक्यू और डाउट्स पूछ लिया करो ये 3 दिनों में, जो 3 दिन लेक्चर है मेरा। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी वी वर डिस्कसिंग, बराबर। इसकी फॉर्मूला मैंने बताई थी और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझा दिया था कि जब अगर आप कोई मेटल का बॉल है, यू कैन टेक एनी सॉलिड बॉल, अगर कोई सॉलिड बॉल है जो ना वो विस्कस लिक्विड में नीचे गिर रहा है, फॉलिंग डाउन इन द विस्कस लिक्विड, तो कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद कर देती है। इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीजेस बट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है जिससे वो नीचे गिरता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और ये शायद हमने फॉर्मूला बनाई थी, याद करो। इट्स अ फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, 2/9 r² g ρ - σ डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक इसमें रो जो है, रो इज अ डेंसिटी ऑफ द बॉल, सिग्मा जो दिख रही है ना इट्स अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आज मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। इसमें आपको ये भी याद होना चाहिए अच्छे से कि जो विस्कस फोर्स लग रहा है ना बॉल के ऊपर, द फोर्स ऑन द बॉल बाय द विस्कस लिक्विड, जो विस्कस लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाती है वो याद रखो, फोर्स इतना होता है 6 π ईटा r v। इसमें v दिख रहा है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, पता होना चाहिए विस्कस फोर्स कितना लगेगा। ये दो पॉइंट्स एटलीस्ट आप याद रखो। अब इसमें मैं कुछ और आगे की चीजें बता रहा हूँ रिलेटेड टू विस्कोसिटी। लुक हियर, इमेजिन ये कंटेनर है जिसमें एक विस्कस लिक्विड भरी हुई है, इट्स अ विस्कस लिक्विड। ठीक है, विस्कस लिक्विड ही इसमें भरा हुआ है। स्टूडेंट स्क्रीन और वॉइस क्लियर है ना? इसमें कोई विस्कस लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन देखो सुनो, अभी इस विस्कस लिक्विड में हमने दो बॉल्स छोड़ दिए हैं, ऐसे दो बॉल्स छोड़े हैं। एक बॉल छोटा है, लेट्स से उसका मास m1 गिवन है, दूसरा बॉल बड़ा है उसका मास m2 है। रेडियस प्रोवाइडेड नहीं है, मासेस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, दोनों बॉल है ना एक ही मटेरियल के स्टूडेंट। स्क्रीन क्लियर है अभी? हाँ, तो हमको क्या करना है, इनकी जो दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी है ना, दोनों बॉल्स की, वो टर्मिनल वेलोसिटी v1 v2 है, तो ये v1 v2 का रेशियो निकालना है। तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक बताऊं तो ये आएगा m1/m2 जो है ना दोनों के मासेस, द होल रेस टू 2/3। ठीक है, मैं आपको अभी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में आप ट्राई करो ये प्रूफ करने का, कि आप प्रूफ कर पा रहे हो क्या ये चीज। रिजल्ट मालूम है कि m1/m2 रेस टू 2/3 है, कैन यू प्रूव इट? ट्राई दिस ऑन योर ओन,
सिंपल, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, दोनों मासेस गिवन है तो हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ट्राई टू प्रूव दिस रिलेशन। हो रहा है प्रूफ? सी मैं कर देता हूं, ध्यान से देखो। देखो ये जो दोनों बॉल्स है ना, ठीक है, दोनों बॉल्स के लिए सपोज मैंने ये देखो ये वाली जो फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी की, ये दोनों बॉल्स के लिए लिखी फॉर बोथ बॉल्स, और फिर दोनों की जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसको डिवाइड किया। तो मालूम है दोनों बॉल्स के लिए ये 2/9 तो सेम ही आएगा, दोनों बॉल्स के लिए ईटा भी सेम आएगा, ये ईटा ये वाला, क्योंकि दोनों एक ही लिक्विड के अंदर है। दोनों बॉल्स के लिए जी और रो माइनस सिग्मा भी सेम होगा। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आपको पहले तो ये आएगा वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू आर वन बाय आर टू द होल स्क्वायर, ये आएगा। अब ये एम जो है बॉडी का मास है, स्फीयर का मास है, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये मासेस को लिख सकते हैं। ये सब एम वन, इधर सामने आर वन आ गया, टेक अ क्यूब रूट, पहले आप क्यूब रूट ले लो, एम वन रेस टू 1/3 क्यूब रूट लिया, ये डेंसिटी रो 4 पाई इनका भी क्यूब रूट होगा आर वन। अब इन स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर स्क्वायरिंग आ जाएगा, इधर भी स्क्वायरिंग और इसका भी स्क्वायरिंग। तो ध्यान से देखो ये जो आर वन स्क्वायर है, आर वन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम रेस्ट 2/3 नहीं, तो आर वन बाय आर टू द होल स्क्वायर जो आएगा ना, सिंपल है अभी तो दोनों बॉल्स के लिए, वो आएगा एम वन रेस्ट एम वन अपॉन एम टू होल रेस्ट 2/3 कॉन्स्टेंट। ये चीज बस यहाँ पे डाल दो तो आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस पे डिपेंड करती है, और रेडियस को आप मास के टर्म्स में लाओ तो ये आया, ठीक है। कीप दिस रिजल्ट इन माइंड, शायद ये थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करने में इजी हो जाएगा आपका, कीप इट इन माइंड, आगे बढ़े, ठीक है। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। टर्मिनल वेलोसिटी क्लियर है, इसको याद रखो इन टर्म्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला। पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला, अब जो स्टूडेंट मतलब लेक्चर ध्यान से सुनते भी हैं, उनको भी लग रहा होगा कि सर ये तो नहीं सुनी है पहले, पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया है ऐसे कुछ फॉर्मूला। Have you heard this word earlier? Heard this name earlier? नहीं, ये टेक्सटबुक में हमने नहीं किया था क्योंकि ये टेक्सटबुक में है भी नहीं, इट्स नॉट देयर इन द टेक्सटबुक। ये जो है ना सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, उसमें भी जेई और नीट जो एग्जाम्स है नेशनल लेवल के, उसके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला। इट्स ओनली रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम, इट इज नॉट इन देयर इन आवर टेक्सटबुक, हमारे बुक्स में नहीं है ये पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला। तो क्या रहता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यू प्लीज पुट दिस हेडिंग, इस हेडिंग पुट करो पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला। ओके सो लेट्स सी क्विकली व्हाट इज पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला। हाँ ध्यान से देखो, सपोज ये जो है ना एक पाइप है, ट्यूब है, यू कैन से पाइप और ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब की जो एंड पॉइंट्स है ना उसके बीच में यहां से लिक्विड फ्लो हो रही है, इट्स अ लिक्विड फ्लोइंग, लिक्विड फ्लो हो रही है, ठीक है। लिक्विड जो फ्लो हो रही है ना, ठीक है,
अब उसकी हम लोग विस्कोसिटी को इग्नोर कभी कभी करते हैं कि लिक्विड इज नॉन विस्कस अज्यूमिंग, लेकिन आपको पता है हर लिक्विड में थोड़ा बहुत विस्कोसिटी तो रहेगा ही, एवरी लिक्विड हैज सम विस्कोसिटी। लेट्स कंसीडर दैट ये जो लिक्विड है ना वो विस्कस लिक्विड है, इट्स अ फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड का फ्लो है। तो इसमें क्या होता है, जब लिक्विड में विस्कोसिटी होती है लेयर्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, राइट। ये देखो सबसे नीचे का जो लेयर है ना इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, ओके, और एज यू गो अप इट्स वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ऐसे होता है, विस्कस लिक्विड है, जा रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो अगर मैं कोई भी ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया ले लू, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, लेट्स से क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसे इसमें से कुछ लिक्विड पास हो रही है ना, लेट्स सपोज जितना लिक्विड इसमें से पर सेकेंड पास हो रहा है, यहां पे लिख रहा हूं मैं द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड, जितना वॉल्यूम पर सेकेंड पास हो रहा है ना उसको मैं ये डिनोट करता हूं कैपिटल वी से डिनोट किया, जितना कितना वॉल्यूम पास हो रहा है पर सेकेंड डिनोटेड बाय कैपिटल वी। इसकी एक फॉर्मूला है, ठीक है, सबसे पहले इसकी एक फॉर्मूला ये है, सबसे पहले एक फॉर्मूला जो है वो है ए इंटू स्मॉल वी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टाइम पे बताया था, इसकी एक फॉर्मूला ये है ए इंटू वी। देखो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, हियर क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी है वेलोसिटी विथ विच लिक्विड इज गोइंग। वेट अ मिनट, ध्यान से सुनो, एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे ना, देखो यहां पे ये जो एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो लेंगे ना तो भी वॉल्यूम पर सेकेंड मिलेगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी गिव्स यू वॉल्यूम पर सेकेंड, ये जो फॉर्मूला है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए होती है, स्ट्रीमलाइन नॉन विस्कस फ्लो जब होता है ना उसमें आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हो तो ए इंटू वी वहां पे लगेगी। यहां पर आपने ये अज्यूम किया है कि विस्कोसिटी प्रेजेंट है, विस्कोसिटी में एक बार बताओ इज इट एवरी लेयर ऑफ दिस लिक्विड इज मूविंग विथ अ डिफरेंट स्पीड ना, हर एक लेयर अलग अलग स्पीड से चलेगा, जो लेयर एकदम बॉटम में है द लेयर विच इज इन द एग्जैक्टली बॉटम उसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो रहता है, तो ये वी वेलोसिटी तो फिक्स भी नहीं है, तो यहां पर ये फॉर्मूला नहीं चलती है दैट ये फॉर्मूला नहीं चलेगी दैट ए इंटू वी गिव्स यू वॉल्यूम पर सेकेंड, इट इज फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब लिक्विड नॉन विस्कस अज्यूम की जाती है तभी है ये, यहां पर लिक्विड क्या है विस्कस है। देखो यहां पर ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड है ना ये मैं लिख देता हूं, इट्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड वी, इसकी एक फॉर्मूला दी गई है, फॉर्मूला ये है देखो पाई डेल्टा पी आर रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 8 ईटा एल। ये फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में क्या है कैसे आई है, बट दिस फॉर्मूला इज नोन एज पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं पॉइज़ुलीज़ फॉर्मूला, ठीक है, पाई डेल्टा पी आर रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 8 ईटा एल, थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है, इट्स ओके, बट एक दो बार आप बोल के देखो उसको तो याद भी हो जाता है। देखो पाई डेल्टा पी आर एस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल, वापस बोलो पाई डेल्टा पी आर एस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल, ठीक है, तो लंबा फॉर्मूला है बट यू कैन रिमेम्बर इट, ठीक है। इस फॉर्मूला का मैं एसेंस समझा देता हूँ, मतलब मेन क्या क्या चीजें हैं इसमें समझा देता हूँ। देखो ये जो लिक्विड है ना वो विस्कस है डेफिनेटली, तो इसको ये जब आगे बढ़ेगी ना व्हेन इट मूव्स इसको लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, विस्कस फोर्सेस एक टाइप के फ्रिक्शन फोर्सेस ही है, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन फोर्सेस ओनली, तो विस्कस फोर्सेस अगर लगेंगे ना तो वो तो इस लिक्विड को रोकने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू स्टॉप द फ्लो ऑफ दिस लिक्विड, लिक्विड फ्लो कैसे होगी फिर, रुक जाएगी ना, इसको कंटिन्यूसली फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, एक साइड सपोज प्रेशर है P1 इज अ प्रेशर ऑन द लिक्विड फ्रॉम वन साइड और दूसरे साइड से ऐसा प्रेशर है P2,
P1 P2 देखो, ये प्रेशर है दो एंड पॉइंट्स के बीच में, ये सपोज दो पॉइंट के बीच में. ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि लिक्विड फ्लो होती रहनी चाहिए, लिक्विड शुड कीप ऑन फ्लोइंग, तो याद है क्या होना चाहिए, एक साइड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, एक साइड कम होना चाहिए. सपोज P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 माइनस P2 इज अ नेट प्रेशर ना, तो ये जो लिक्विड है ना वो P1 के डायरेक्शन में फ्लो होगी. ठीक है, तो दोनों साइड प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए तभी ये लिक्विड आगे मूव करेगी. अगर खाली विस्कस फोर्सेस लगेंगे तो ये लिक्विड स्टॉप हो जाएगी ना, इफ ओनली विस्कस फोर्सेस विल एक्ट. प्रेशर डिफरेंस भी होना चाहिए, तो दोनों साइड जो प्रेशर का डिफरेंस है ना वो डेल्टा पी है. ठीक है, एक याद रखो जो ये प्रेशर डिफरेंस है ना वो इसको हेल्प कर रहा है, इट इज हेल्पिंग द लिक्विड टू मूव, प्रेशर की वजह से ही मूव कर रही है. तो डेल्टा पी इज अ प्रेशर डिफरेंस. ये स्मॉल आर दिख रहा है, स्मॉल आर इज अ रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी. स्मॉल आर ये जो ट्यूब है ना उसका रेडियस है. ईटा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है. एल दिख रहा है, एल इज अ लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, एल ये ट्यूब का लेंथ है. ठीक है, ये टर्म्स है, ये फॉर्मूला में डिराइव नहीं करूंगा, काफी लेंथी इसका प्रूफ है. ठीक है, नो नीड टू डिराइव. ठीक है, थोड़ा इसके बारे में आगे बता देता हूँ, इस फॉर्मूला के बारे में. पाई डेल्टा पी आर इज टू 4 डिवाइड बाई एडी टाइल. ठीक है, अब देखो जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि सर ये फॉर्मूला तो बहुत मुश्किल है याद करने के लिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. एक्चुअली में ये स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है ना वो एक तरीके का ओम्स लॉ है, इट्स अ काइंड ऑफ ओम्स लॉ. मतलब जो ओम्स लॉ का सिग्निफिकेंस है वैसे ही इसका भी सिग्निफिकेंस है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है. अब आप बोलेंगे ये ओम्स लॉ कैसे बन गया, ठीक है समझा देता हूँ मैं. सी इसमें क्या करो, राइट हैंड साइड पे ना पहले डेल्टा पी जो है उसको रखो, बाकी जो टर्म्स है डेल्टा पी के साथ उनको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, तब ऐसा लिख सकते हो. सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन दिस वे. और जो वी लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे जो वी लिखा है, इट्स एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इट्स अ वॉल्यूम पर सेकेंड बेसिकली, है ना, यही है ना. इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो जैसे मैंने आपको कहा कि ये फॉर्मूला ना बिल्कुल ओम्स लॉ की जैसी है, कैसे ये ओम्स लॉ है मैं अभी बता देता हूं आपको. ठीक है, सी ये सपोज एक मेटल की वायर है, जैसे देखो मेटल की वायर में से जब करंट फ्लो होता है, यू नो मेटल की वायर में से करंट फ्लो होता है, दैट करंट, करंट एक्चुअली पता है क्या होता है, करंट इज अ चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम ना, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, चार्ज पर सेकेंड क्यू बाय टी. और करंट को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ आई गो, इज इट करंट इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ना, करंट इज वी बाय आर ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको मालूम है. सिमिलरली अभी देखो हमारे पास ये वायर तो नहीं है, हमारे पास अभी वायर नहीं है लेकिन उसकी जगह ट्यूब है, इट्स ओके, दोनों सिलेंड्रिकल शेप के हैं. वायर में से देखो जब करंट पास होता है इसका मतलब चार्जेस आर फ्लोइंग, चार्जेस फ्लो होते हैं. अब ये ट्यूब में चार्जेस तो फ्लो नहीं हो रहे लेकिन पानी फ्लो हो रहा है, इट्स अ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड और लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड. ये जो है ना क्यू बाय टी, उसकी जगह हमारे पास है वॉल्यूम बाय टी, ये है चार्ज पर सेकेंड, हमारे पास है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, चार्ज की जगह यहां पर वॉल्यूम फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब हमने फॉर्मूला क्या बनाया, ये पॉइज़न फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी डिवाइड बाय 8 ईटा एल पाई आर इज टू 4, रिमेंबर. इसमें डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है, राइट. यहां पर सपोज प्रेशर है पी प्लस डेल्टा पी और इस साइड प्रेशर है पी, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ डेल्टा पी. ठीक है, आपको मालूम है यहां पे ओम्स लॉ में करंट पास करने के लिए टू स्टार्ट द करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई नहीं करोगे तो करंट नहीं फ्लो होगा. सिमिलरली यहां पे अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, पानी फ्लो नहीं होगा.
ये डेल्टा बी है ना, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का रोल ये डेल्टा बी प्ले कर रहा है. और ये जो आर है ना, आर इज द रेजिस्टेंस, उसका रोल ये प्ले कर रहा है, 8 eta L/πr^4. आपको ये मालूम है जो रेजिस्टेंस होती है वायर की, वो फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करती है. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस इन चीजों पे डिपेंड करता है. यहां पर भी देखो, ये जो मैंने रेजिस्टेंस बताया, क्या बताया रेजिस्टेंस, 8 eta L/πr^4, इसको मैं रेजिस्टेंस मान रहा हूं. ये भी तो देखो ना, लेंथ पे डिपेंड है, रेडियस पे डिपेंड है, फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड है. ठीक है, और आपको लगता है कि जितना लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा, एज अ लिक्विड इन द ट्यूब विल बी मोर विस्कस, तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा ना फ्लो को. देखो ना, ये रेजिस्टेंस जिसको मैंने लिखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा. तो जितना लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा, उतना ईटा ज्यादा होगा. एज ईटा विल बी मोर, रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब विल ऑल्सो बी मोर. बिल्कुल सही बैठ रहा है. एक्चुअली में ये ओम्स लॉ ही है बेसिकली. ठीक है, तो एक बार लास्ट लिख देता हूं मैं, V इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर इज टू 4 डिवाइड बाई 8 eta L. ये याद किया ना तुमने फॉर्मूला, इसमें याद करो, ये जो V लिखा है ये वॉल्यूम पर सेकेंड है, इट सेम एज करंट इन द ओम्स लॉ. डेल्टा पी जो है, इट्स अ प्रेशर डिफरेंस, इट इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस. और बाकी जो है 8 eta L/πr^4, वो रेजिस्टेंस की जगह पे है. 8 eta L/πr^4 ये रेजिस्टेंस की जगह पे है. ठीक है, वेरी क्लियर. काफी समझा दिया इस चीज को मैंने. कुछ कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हो, लेकिन इस पर अगर आप बुक में एमसीक्यू सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे. मेरी एडवाइस रहेगी दैट आप इसके एमसीक्यू ट्राई करो, प्लीज ट्राई. जो नहीं आया आप पूछो क्लास में, क्योंकि नया टॉपिक है, इसको डाउटफुल तो लगेगा जब इसके एमसीक्यू करोगे, पर ट्राई एमसीक्यू प्लीज. क्लियर विथ पॉइजनली फॉर्मूला. सर वो दोनों पॉइंट के बीच में कैसे आया प्रेशर डिफरेंस? देखो, जब भी कोई फ्लूइड मूव करती है ना किसी पाइप में से, देखो सब ये पाइप है, उसमें से लिक्विड ऐसे मूव कर रही है. ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस हमेशा रहता है. देखो एक साइड, अब प्रेशर डिफरेंस आया कैसे, सुनो, ये जो लिक्विड है ना, मैंने इतना लिक्विड को कंसिडर किया है जो लिक्विड एल पोर्शन में है, लेकिन इस लिक्विड के राइट हैंड साइड पे यहां पर भी लिक्विड होगा, और इस लिक्विड के लेफ्ट हैंड साइड पे इधर इधर भी लिक्विड होगा. ये जो लिक्विड मैंने कंसिडर किया वो एल लेंथ में है, ये कहीं से तो आ रही होगी ना, राइट साइड भी लिक्विड होगा, और कहीं तो ये जाएगी ना, आगे भी लिक्विड होगा. तो जो राइट हैंड साइड की लिक्विड है ना, वो इस पर्टिकुलर लिक्विड पे ऐसे प्रेशर डालती है, देखो, और जो लेफ्ट हैंड साइड की लिक्विड है वो ऐसे प्रेशर डालती है. देखो लिक्विड जो है ना, वो लिक्विड प्रेशर, लिक्विड विल एक्सपीरियंस प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स बाय द सराउंडिंग लिक्विड. जो आजू बाजू लिक्विड है वो इस लिक्विड पे प्रेशर डालेगी, ऐसे हम लोग ले सकते हैं. तो ये जो लिक्विड का अभी वाले के साथ प्रेशर क्यों ऐसे जरूरी है, देखो अगर ये प्रेशर नहीं होगा ना, तो इस लिक्विड को आगे बढ़ाने के लिए कोई फोर्स ही नहीं मिलेगा. आपको मालूम है लिक्विड में विस्कोसिटी रहती है, देयर इज अ विस्कोसिटी इन द लिक्विड. विस्कोसिटी तो इसको स्टॉप कर देगी लिक्विड को, लेकिन ये लिक्विड स्टॉप नहीं हो रही है. सपोज ये लिक्विड आगे बढ़ती रह रही है, लिक्विड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ सकती है, या मे बी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो अगर लिक्विड आगे बढ़ रही है तो विदाउट विदाउट एनी फोर्स वो कैसे आगे बढ़ेगी? विस्कस फोर्स उसको रोक देगा फिर. तो विस्कस फोर्स को स्टॉप, विस्कस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स लगेगा ना, जिससे वो आगे बढ़े लिक्विड, वो प्रेशर डिफरेंस है. ये देखो प्रेशर हर जगह अलग अलग हो सकता है, इधर P1 इधर P2. जब तुम बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हो, बर्नौली प्रिंसिपल में तो ये लेते हो कि एक पॉइंट पे प्रेशर P1 है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर P2 है लिक्विड में. प्रेशर डिफरेंस रहता है ऑलवेज. कभी कभी प्रेशर डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, इफ P1 एंड P2 आर इक्वल, जीरो है अगर, तो लिक्विड पता है क्या होगी, खाली विस्कस फोर्स लगेगा,
उससे लिक्विड अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगी फिर। लेकिन अगर लिक्विड अगर हम लोग अज्यूम करेंगे कंटिन्यूसली मूव कर रही है, प्रेशर डिफरेंस इज नीडेड। ठीक है, ये प्रेशर जिसकी सराउंडिंग लिक्विड है वो इस पर्टिकुलर लिक्विड पे लगा रही है, जो हमने कंसिडर किया लिक्विड उस पर बाहर सराउंडिंग लिक्विड उसके ऊपर लगाएगी। ठीक है, ओके सर। प्रेशर इज नॉट ओनली रिलेटेड टू लिक्विड एट रेस्ट। आपको लग रहा होगा लिक्विड जब रेस्ट पे रहती है तब हमने प्रेशर पढ़ा था उसके बारे में, मूविंग लिक्विड्स आल्सो एग्जर्ट्स प्रेशर, दोनों में होता है। ओके, इसको थोड़ा याद रखो। फ्लूइड मैकेनिक्स पता है अपने आप में एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है। यस, फ्लूइड मैकेनिक्स अलग से एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर आता है वो। पूरा एक साल बच्चे पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो काफी लंबा ब्रांच है ये। लेकिन आपको अभी थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल पर ही है सिर्फ ये चीजें, तो जस्ट कीप इट इन माइंड स्टूडेंट्स। सो आई होप ये पॉइजली फॉर्मूला इज वेरी क्लियर विथ यू। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखो। क्लियर? गिरी, इसके बाद कुछ ज्यादा है नहीं इस टॉपिक में। विस्कोसिटी में ये सब चीजें आती है। ठीक है, विस्कोसिटी के बाद में जो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसको डिस्कशन कर लेता हूँ। नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हैं विच इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अपने आप में एक बड़ा सा चैप्टर लगता है, कभी कभी काफी टॉपिक्स हैं इसके अंदर भी। सरफेस टेंशन टी कुछ याद है ये स्टूडेंट की, एकदम बेसिक से बताना पड़ेगा फिर से। याद है? बेसिक याद है सर। बेसिक तो याद होना चाहिए ना एकदम। किसी को याद है सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स। एक्चुअली लिक्विड में ये प्रॉपर्टी होती है। इट्स अ प्रॉपर्टी बाय विच लिक्विड सरफेस, लिक्विड की जो सरफेस है ना, इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया। एवरी लिक्विड सरफेस ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया। लिक्विड सरफेस हैज अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स एरिया। आई थिंक उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं क्या? सर याद है ना, सरफेस टेंशन जो है ना वो कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस की वजह से बनती है। मतलब जो लिक्विड की सरफेस पे मॉलिक्यूल है ना उनको बाकी मॉलिक्यूल खींचते हैं। लिक्विड लिक्विड के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उनको कोहेसिव कहेंगे ना। कोहेसिव फोर्सेस और एडिसिव फोर्सेस की वजह से ही बनता है ये सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन में अभी आपने मुझे बताया कि कोई भी लिक्विड जो है वो मिनिमम शेप लेने मिनिमम एरिया करने की कोशिश करती है। तो अगर लिक्विड का ड्रॉपलेट ऐसा है, देखो इट्स अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सपोज, इसकी देखो ये सरफेस एरिया काफी इरेगुलर है। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स देखो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है ना, लुक एट द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस। इन मॉलिक्यूल्स को जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर ऐसे खींचेंगे ऐसे। ये जो मैं एरोस दिखा रहा हूं ना, दीज आर द कोहेसिव फोर्सेस। इसके बाहर एयर भी है, आउटसाइड एयर है। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन लिक्विड और एयर के बीच में जो अट्रैक्शन है वो एडिसिव हो गया। एयर की डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है, एयर बहुत कम होती है अमाउंट में, डेंसिटी इतनी होती है उसकी। एयर का जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, सो इट्स बेसिकली मोर कोहेसिव फोर्सेस ओनली। तो ये अंदर की तरफ खींचते हैं, इसके लिए ऑलमोस्ट थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ना वो ऐसी शेप ले लेगा। कौन सी शेप? स्फीयर, स्फेरिकल इट विल बिकम। क्योंकि स्फीयर एक ऐसी सरफेस होती है, स्फीयर एक ऐसी शेप है जिसकी एरिया सबसे कम मिनिमम होती है। एरिया इज मिनिमम फॉर गिवन वॉल्यूम। मतलब अगर मैं कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम आपको दे दूं, इतना वॉल्यूम है, तो फॉर अ गिवन पर्टिकुलर वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप फिक्स रखो एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम के लिए, सबसे कम जो एरिया होती है वो स्फीयर की होती है। फॉर अ सेम वॉल्यूम, ठीक है, अगर इतने ही वॉल्यूम का अगर आप दूसरी शेप बनाओगे, मेक अ डिफरेंट शेप विद अ सेम वॉल्यूम, तो उसकी एरिया ज्यादा होगी। Spheres are having a minimum area. इसलिए आपने देखा है कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो है वो जब हवा में नीचे गिरता है, when it start falling from the tap, उस टैप में से पानी का ड्रॉप नीचे गिरने लगा, तो पानी का ड्रॉप स्फेरिकल शेप ले लेता है।
टू टेक अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैं भी और बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सरफेस टेंशन की बेसिक फॉर्मूला याद है, इट्स एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस फॉर्मूला को भी थोड़ा और याद दिला देता हूं मैं। देखो सपोज ये लिक्विड की सरफेस है, इट्स अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। सरफेस के ऊपर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो ऐसे, इट्स अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, ठीक है। ये लाइन की जो लेंथ है वो एल है, एल इज अ लेंथ ऑफ दिस लाइन, ओके। अब इस लाइन के ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे लाइक दिस। अब दीज मॉलिक्यूल्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ये जो फोर्सेस दिख रहे हैं, मैंने जो लिए है, ये सारे फोर्सेस आपको ऐसे लेने हैं विच आर परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन एट राइट एंगल टू दिस लाइन। ये फोर्सेस कोहेसिव नेचर के ही हैं, दीज आर सिंपली कोहेसिव फोर्सेस ओनली, ठीक है। ये फोर्सेस है ना पूरे लेंथ पे लगेंगे, ठीक है। दिस फोर्सेस आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये जो मैंने एल बनाया ना लाइन, इट्स अ इमेजिनरी लाइन। तुम लाइन पता है ऐसे भी बना सकते हो, देखो ये लाइन भी ले सकते हो। तो मैंने बोला सर मैं ये लाइन लूंगा तो भी चलेगा, इसमें फोर्सेस ऐसे होंगे, देखो तुम पूरा सर्कमफेरेंस भी ले सकते हो, द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सरफेस यू कैन ऑल्सो टेक एज अ लाइन, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस लाइन, जितना लंबा लाइन बनाएंगे उतना फोर्सेस बढ़ेंगे। ये हटा के आपको टी पुट करना है, टी इज अ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट्स अ फोर्स पर लेंथ। जितना फोर्स एक यूनिट लेंथ पे लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग पर लेंथ, दैट इज डिफाइंड एज अ सरफेस टेंशन। आपको कोई बोले कि सरफेस टेंशन कैलकुलेट करो, इट्स अ फोर्स एक्टिंग पर लेंथ, ठीक है। नाउ वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो थोड़ा याद रखो, इट इज 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर। वाटर का 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर है। अगर आप इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट इज 0.072। मर्क्यूरी का सबसे ज्यादा होता है अमंग द कॉमन लिक्विड, जो कॉमन लिक्विड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा मर्क्यूरी का होता है सरफेस टेंशन, 435 अराउंड डाइन्स पर सेंटीमीटर, 435। अगर आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो 0.435। ये कन्वर्जन आप खुद करने की कोशिश करोगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, इतना तो आना चाहिए, अभी 12th स्टैंडर्ड में आप हो, ये होना चाहिए। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, इतना तो मालूम होना चाहिए रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, ठीक है। सर वो जो लेंथ है उसके राइट साइड के भी जो मॉलिक्यूल्स है वो भी उसको करेंगे ना अट्रैक्ट, तो उसका फोर्स नहीं कर लेंगे हम लोग फॉर्मूले में। जो आपने लेंथ बनाई है ना, ठीक है सुनो, जो लेंथ आपने बनाई है ना, इसके एक तरफ के फोर्सेस को देखेंगे, दूसरी तरफ के फोर्सेस भी तुम लोगे ना, दोनों मिला के लोगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इस लाइन के ऊपर। नेट फोर्स नहीं लेना है, वी डोंट हैव टू टेक अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लाइन, फोर्स एक्टिंग इन द वन डायरेक्शन ही लेना है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अगर तुम नेट फोर्स लोगे ना किसी लाइन के ऊपर वो तो जीरो आएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली, कि ये जो लाइन है ना उसको एक तरफ कितना फोर्स लग रहा है, कि अगर एक तरफ जो उसको फोर्स लग रहा है अगर वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सपोज तुमने लाइन बहुत छोटी बनाई और उसके ऊपर एक तरफ जो फोर्स लग रहा है वो भी काफी ज्यादा है, मतलब इस लिक्विड में ना कोहेसिव फोर्सेस एक्टिंग पर लेंथ वो काफी ज्यादा है, तो मतलब वो लिक्विड में सरफेस टेंशन डेफिनेटली ज्यादा होगा, ज्यादा टेंडेंसी रखेगी मिनिमाइज करने के लिए अपनी एरिया को। तो हमको खाली ये चेक करना है कि कोहेसिव फोर्सेस कितने हैं, उसके लिए रूल क्या बनाएगा, एक तरफ के फोर्सेस ले लो। तो एक तरफ की फोर्सेस लोगे ना जो एक्टिंग हो रहे हैं पर लेंथ पे जितने एक्ट हो रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। दोनों तरफ के लोगे तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट ये क्लियर है, ठीक। अब इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। पहली पॉइंट हम लोग कवर करेंगे फ्लोटिंग ऑफ नीडल।
फ्लोटिंग ऑफ नीडल, नीडल की फ्लोटिंग, ठीक है। इस पे एमसीक्यूज आते हैं, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। सपोज ये देखो ये कंटेनर है, इसमें ये पानी की सरफेस है, दिख रहा है। अब इस पे देखो हमने एक नीडल रख दिया, नीडल, ठीक। मैंने नीडल अभी शो नहीं किया, ध्यान से इमेजिन करो मैंने नीडल इसके ऊपर रख दिया। मैंने आपको एक बार बताया था कि नीडल पानी पे फ्लोट कर सकती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो नीडल इस पे फ्लोट कर सकती है, कैसे करती है वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। एक बात, कैन आई अज्यूम जो नीडल होती है ना, नीडल इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप, नीडल सिलेंड्रिकल शेप की होती है। देखो सपोज ये नीडल है, इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, इट्स अ नीडल, इट्स अ सिलेंड्रिकल इन शेप। तो नीडल का देखो ये जो वाला जो फेस है, लुक एट दिस, दिख रहा है, इज इट अ सर्कुलर फेस ना, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगी, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखो ये इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ही आप इसको रखोगे ना नीडल को, तो इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी ऐसे नीडल को। mg इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द नीडल, इट्स अ वेट ऑफ द नीडल। उससे क्या होगा, ये नीडल नीचे जाने की कोशिश करेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस थोड़ी सी ऐसे पहले कर्वी हो जाएगी, सरफेस ऐसे कर्वी हो जाएगी। डोंट थिंक कि सरफेस ऊपर आ जाएगी, ऐसा लग रहा है सरफेस ऊपर आएगी, ऊपर नहीं आएगी लेकिन कर्वी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। सरफेस बिकम कर्वी, क्लियर। अब इस सरफेस पे क्या होगा, यहां पर आप इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल है, इधर सी, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, देखो कहां पर पता है, नीडल के जस्ट नीचे, नीडल के जस्ट नीचे यहां पर एक मॉलिक्यूल है, इसको बाकी मॉलिक्यूल ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ। ये फोर्सेस दिख रहे हैं जो मैंने बनाए, ये कोहेसिव फोर्सेस ही है, दीज आर कोहेसिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ये कोहेसिव फोर्स यहां पे अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी ये फोर्सेस को आप रिजॉल्व करो, अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे, सपोज इफ यू रिजॉल्व दिस फोर्सेस, इनका जो, इन फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करता हूं, इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, वो जाके एमजी को बैलेंस करेगा, नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट्स इनके जो है ना सब मिला के वो एमजी को क्या कर देंगे, बैलेंस। तो तभी नीडल फ्लोट हो सकती है, ठीक है, या रखो हा? अब इसमें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब ये जो नीडल का जो फेस है, ये ऐसा ना नीडल का फेस, और लिक्विड ऐसे हो गई है, देखो, ठीक है। अब सपोज द रेडियस ऑफ दिस नीडल, इस नीडल का जो रेडियस है वो आर है, अगर मैं ये आर को इंक्रीज करते जाऊं, आर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब ये नीडल और मोटा होता जाएगा, नीडल विल बिकम मोर थिक, नीडल मोटा होता जाएगा, नीडल का वेट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे ना, मतलब नीडल मोटा होता जाएगा, उसका एमजी भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब वो हैवी नीडल होता जाएगा। जैसे जैसे एमजी बढ़ेगा ना, तो पता है क्या होगा, ये जो सारे फोर्सेस है ना, ठीक है, वो भी इसको और बैलेंस करने के लिए लग जाएंगे, मतलब एमजी को बैलेंस करने के लिए वो और ट्राई करेंगे टू बैलेंस एमजी, ठीक है। आज हमको क्या फाइंड आउट करना है, टुडे वी वांट टू फाइंड दैट हाउ मच मैक्सिमम रेडियस ऑफ द नीडल वी कैन टेक बिफोर इट स्टार्ट सिंकिंग, हाउ मच मैक्सिमम रेडियस कैन बी टेकन बिफोर नीडल स्टार्ट सिंकिंग। मतलब आप कितना मोटा नीडल ले सकते हो, कितना ज्यादा रेडियस आप ले सकते हो, जब तक वो नीडल फ्लोट होती रहेगी, ठीक है, कितना मैक्सिमम रेडियस तक ये फ्लोट होगी रहेगी, ठीक है, रेडियस मैक्सिमम फाइंड करना। उससे ज्यादा हम लोग रेडियस लेंगे ना, आर मैक्स से ज्यादा लेंगे, नीडल सिंक हो जाएगी, ठीक है, वो रेडियस फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अज्यूम करो कि हमने मैक्सिमम रेडियस ले लिया, रेडियस मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम रेडियस पता है सरफेस ऑलमोस्ट ऐसे बन चुकी होगी, ऐसे हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फीयर, एमजी ऐसा होगा। सपोज मैंने मैक्सिमम रेडियस ले लिया है, अब क्या होगा, ये जो लिक्विड की सरफेस पे, ये देखो यहाँ पे सपोज कोई मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है, उसके ऊपर फोर्सेस ऐसे होंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिस फोर्सेस विल बिकम वर्टिकल,
ऑलमोस्ट वर्टिकल बन जाएंगे ये फोर्सेस, ठीक है। तो ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस मिलके एमजी को बैलेंस अभी भी करेंगे। फोर्सेस और देखो पूरा वर्टिकल बन चुके हैं। अब अगर इसके बाद भी तुम अगर एमजी को और इंक्रीज करोगे, रेडियस को और इंक्रीज किया, एमजी को और इंक्रीज किया, तब फिर कुछ नहीं होने वाला, ये नीडल सिंक हो जाएगी। फिर इस पॉइंट के बाद, इस डायग्राम के बाद अगर और एमजी बढ़ाएंगे तो ये सिंक हो जाएगी। नाउ एमजी इज बीइंग सपोर्टेड बाय 2F, एमजी इज बीन बैलेंस बाय 2F। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 2F को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। देखो इसमें मैंने, देखो एक साइड जो फोर्स लग रहा है ना, ये देखो एक साइड जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने एफ नाम दिया है, ठीक है, याद रखना। एम क्या है, एम इज अ मास ऑफ दिस नीडल, मास ऑफ द नीडल कैन बी रिटन एज दिस वे, डेंसिटी ऑफ द नीडल इनटू वॉल्यूम ऑफ द नीडल। अब नीडल सिलेंड्रिकल शेप की है ना, सिलेंडर है नीडल, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल। ये देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इट्स मास। अभी एफ पे आते हैं, बट बिफोर आई कम टू एफ, ये प्लीज राइट हैंड साइड पे ये पाई आर स्क्वायर देखो, ये आर नहीं होगा, आर मैक्स होगा ना, ये रेडियस मैक्स हो चुका है ना। चलो अभी ये एफ पे आते हैं, एफ ध्यान से देखो, ये देखो एक साइड जो फोर्सेस लग रहा है ना उसको हमने एफ नाम दिया है, दोनों साइड के फोर्सेस को एफ नहीं दिया है, एक साइड के फोर्सेस को एफ दिया है। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, ये जो एफ फोर्सेस मैंने एक साइड के फोर्सेस को एफ नाम दिया है, ये फोर्सेस एल लेंथ पे लग रहे हैं कि 2L लेंथ पे लग रहे हैं, क्या बोलोगे? एनीबडी? देखो मैंने एफ फोर्सेस, मैंने वन साइड के फोर्सेस को एफ लिखा है, दोनों साइड मिला के इट बिकम 2F हियर। तो एफ डेफिनेटली एल लेंथ पे लग रहे हैं, राइट? तो अगर ये देखो एफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द एल मीटर ना, तो एफ बाई एल बिकम सरफेस टेंशन। एफ कोहेसिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एल मीटर, एफ को देखो टी एल लिख सकते हैं, टी एल टू एफ को आप ऐसे लिखो टी इंटू एल रो पाई आर मैक्स स्क्वायर एल जी। देखो एल एल कट हो जाएगा दोनों साइड से। कांट यू फाइंड आर मैक्स फ्रॉम दिस? यस वी कैन फाइंड आर मैक्स, कितना आएगा 2t डिवाइड बाय रो पाई जी इसका रूट। ये है मैक्सिमम रेडियस जब तक ये नीडल फ्लोट करेगी, इससे ज्यादा रेडियस तुमने लिया ना गया लिक्विड के अंदर नीडल। ये आरमैक्स की डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब जिनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है वो तो इस फॉर्मूला को मगअप कर लेंगे, बोलेंगे सर मैं तो रट्टा मार के जाऊंगा इस फॉर्मूला पे, ठीक है। कुछ एग्जाम में घुमा दिया है नीडल की, उसने शेप बोल दी नीडल सेमी सर्कुलर शेप की है, तो आप बैठ जाएंगे उधर ही फिर, ठीक है। तो आपके ऊपर है, इट्स योर विश, जिनको समझना है समझ के लो प्लीज, ठीक है। इज इट क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? सर ये, सर ये डायग्राम में जो मॉलिक्यूल है सर उस पे फोर्स कौन लगा रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा। इस डायग्राम में जो मॉलिक्यूल है, हाँ सर ये एकदम लास्ट वाला कॉर्नर वाला मॉलिक्यूल, ये वाला, हाँ हाँ सर उस पर फोर्स कौन लगा रहा है? नहीं नहीं उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। सी अच्छा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ डायग्राम को, सुनो। ये आपका नीडल है, ये स्फेरिकल शेप का है, स्पीयर है, सॉरी सर्कुलर शेप का है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये लिक्विड ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, मतलब सेमी सर्कल शेप की हो जाएगी लिक्विड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाले, इसमें कोई मॉलिक्यूल ले लो, इस मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे सबसे लास्ट वाले मॉलिक्यूल पर नहीं बोल रहा हूं मैं, जो अंदर मॉलिक्यूल है ना ये वाले, ये फोर्स देखो वर्टिकल तो नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होगा फोर्स, पूरा वर्टिकल नहीं होगा, ये टिल्टेड होगा, ठीक है। इस फोर्स को तुम रिजॉल्व करो ऐसे कॉम्पोनेंट्स में, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बहुत छोटा होगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ही बड़ा होगा अल्टीमेटली। तो ये फोर्सेस नीडल के ऊपर ही लगेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस नीडल के ऊपर ही लगेंगे, तो मैं वर्टिकल फोर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये फोर्सेस एकदम आखिरी वाले मॉलिक्यूल पे नहीं लगेंगे, जो अंदर मॉलिक्यूल है उन पे लगेंगे बाय दिस मॉलिक्यूल। अब थोड़ा समझ में आया कैसे हुआ? हाँ सर अभी समझा। फिर इसमें हम थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेते हैं, इन फोर्सेस को हमने लगभग पूरा वर्टिकली ले लिया है, दे आर ऑलमोस्ट वर्टिकल, ठीक है। हाँ वेरी क्लियर स्टूडेंट्स,
ठीक है, नीडल वाला क्वेश्चन याद करो, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी, ठीक है। चलो सरफेस टेंशन में मैं आगे बढ़ रहा हूं स्टूडेंट। अभी मैंने आपको फ्लोटिंग ऑफ नीडल बताया ना, नेक्स्ट हम लोग करेंगे फ्लोटिंग ऑफ रिंग या फ्लोटिंग ऑफ डिस्क, दोनों। ये बहुत सिंपल है, नीडल जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। देखो सपोज ये रिंग है, इट्स अ रिंग, ठीक है। अब रिंग को थोड़ा बहुत थिकनेस होता है, बट वी निग्लेक्ट दैट थिकनेस। ये देखो रिंग है हैविंग सम थिकनेस, बट थिकनेस काफी पतला है, ये थिन रिंग है, इसको निग्लेक्ट करेंगे। इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम ही है, आर है ऑलमोस्ट। अब दिस लिक्विड, ये जो रिंग है ना, इसको लिक्विड सरफेस के ऊपर हमने प्लेस किया है, प्लेस्ड ऑन लिक्विड सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि इस जो ये कौन है, ये रिंग है ना, इसको ऊपर उठाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, हाउ मच मिनिमम फोर्स वी नीड टू अप्लाई टू लिफ्ट अप दिस रिंग। इस रिंग को उठाने के लिए कम से कम मिनिमम अपवर्ड फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। करवाया ऐसे मैंने पहले तो क्वेश्चन करवाए होंगे इस टाइप के। वुड यू लाइक टू ट्राई, आप ट्राई करना चाहोगे? 2 मिनट आप ट्राई करो कि कैलकुलेट करो कितना मिनिमम फोर्स लगेगा इसको उठाने के लिए। ट्राई टू आंसर मी, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ओके, सुहास चरक ने आंसर दिया है 4 पाई आर टी। सुहास चरक इससे 4 पाई आर टी। सुहास आप करेक्ट हैं, इट्स वेरी मच करेक्ट। स्टूडेंट जब ये नीडल, ये जो रिंग है ना, इसको जब आप ऊपर उठाओगे, ठीक है, तो आप इसको ऊपर उठाएंगे ना, तो पानी इसको छोड़ेगा नहीं। पानी और इस रिंग के बीच में एडिसिव फोर्सेस होंगे, पानी इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। तो जब भी नीडल लगभग ऐसे उठने वाली है, इट्स अबाउट टू लिफ्ट अप, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि पानी ऐसा शेप ले लेता है, ऐसा इस टाइप का। तो यहां पर अभी देखो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ अ रिंग, ये देखो ऐसे दिखा रहा हूं, सी द डॉट्स विच आई एम मेकिंग नाउ। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड विच आर इन कॉन्टेक्ट विथ रिंग। ये मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्सेस ऐसे लगेंगे, कोहेसिव फोर्सेस ऐसे, ठीक है। ये फोर्सेस देखो ऑलमोस्ट वर्टिकल बन जाएंगे, दिस फोर्सेस विल बिकम ऑलमोस्ट वर्टिकल। ये फोर्सेस सिर्फ इनर सर्कमफेरेंस पे नहीं लगेंगे, ये फोर्सेस अंदर के सर्कमफेरेंस पे भी लगेंगे। They will act on the inner and as well as outer circumference. ऐसे याद आया कुछ, बताया था ये पहले। तो ये जो सारे फोर्सेस है ना, इन सारे फोर्सेस को मिला के मैं F बोलता हूँ। Togetherly these forces I'm calling as F. ये फोर्सेस डाउनवर्ड होंगे। तो ये जो फोर्सेस है ना, सब मिला के, इनर सर्कमफेरेंस और आउटर सर्कमफेरेंस पे मिला के, ये जो टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस है उन्हें F लिखा है। ये फोर्सेस इनर सर्कमफेरेंस एंड आउटर सर्कमफेरेंस दोनों पे लग रहे हैं, तो एक सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, दोनों सर्कमफेरेंस मिला के होंगे 4 पाई आर। ये हो गया एफ बाई एल, इट इज टी। फोर्सेस कितने आएंगे, 4 पाई आर टी आएंगे। तो ये डाउनवर्ड फोर्सेस है। अब जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना कम से कम तुमको भी तो ऊपर लगाना पड़ेगा ना इसको ऊपर उठाने के लिए। सो द मिनिमम फोर्स दैट आई नीड टू अप्लाई एटलीस्ट वो इतना ही रहेगा, 4 पाई आर टी। क्लियर, ठीक है। ऐसे रिंग है, डिस्क की बात करेंगे, अगर मैं यहीं पे डिस्क की बात कर लूं तो डिस्क सॉलिड होता है, डिस्क इज सॉलिड। देखो ये पूरा ऐसे सॉलिड होगा डिस्क, अंदर से मतलब इसमें लिक्विड नहीं होगी, अंदर इस डिस्क के अंदर लिक्विड नहीं होगी, इसको खाली बाहर का सर्कमफेरेंस होगा। इट विल हैव ओनली आउटर सर्कमफेरेंस इन कॉन्टेक्ट विथ अ लिक्विड, सिर्फ आउटर सर्कमफेरेंस होगा। तो यहां पे 2 पाई आर आ जाएगा, 4 पाई आर की जगह 2 पाई आर आ जाएगा।
इट विल कम 2 पाई आर फॉर द डिस्क. फॉर द रिंग इट इज 4 पाई आर. फॉर द डिस्क इट विल बी 2 पाई आर. क्लियर स्टूडेंट? ऐसे आपको खुद सोचना पड़ेगा कभी कभी कि क्या करना है. ठीक है, ये चीज आप थोड़ा याद रखो रिलेटेड टू सरफेस टेंशन. ठीक है, अब इस चैप्टर में सरफेस टेंशन के बाद एक जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी होता है. इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सरफेस. ठीक है, इट्स सरफेस एनर्जी इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ओनली स्टोर्ड इन अ सरफेस. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सरफेस एनर्जी याद दिला देता हूं क्या होता है. ध्यान से सुनना. अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन इज इट एवरी लिक्विड सरफेस हैव अ टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स एरिया. हर सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है. ठीक है, तो सरफेस को अगर आप छोड़ दोगे अपने ऊपर, इफ यू लीव द सरफेस ऑन इट्स ओन, तो सरफेस तो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी. ठीक है, बट सपोज मैं मिनिमाइज नहीं करना चाहता. आई डू नॉट वॉन्ट टू मिनिमाइज द एरिया. इनफैक्ट आई वॉन्ट टू इंक्रीज द एरिया. मैं एरिया को इंक्रीज करना चाहता हूँ. तो अगर आप एरिया को इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा. यू नीड टू डू वर्क. तो आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी एरिया को इंक्रीज करने के लिए. सपोज जो वर्क आपने किया टू इंक्रीज द एरिया, वो वर्क है डीडब्ल्यू. डीडब्ल्यू वर्क क्यों किया आपने? एरिया को इंक्रीज करने के लिए. एंड द एरिया इंक्रीज बाय डीए. डीडब्ल्यू वर्क करने से एरिया इंक्रीजेस बाय डीए. डीए इज अ इंक्रीज इन एरिया. सो इसमें अगर मैं डीडब्ल्यू डिवाइड बाय डीए करूं, इज इट वर्क डन बाय मी पर एरिया ना. ठीक है, ये वर्क डन पर एरिया हो गया. ये जो आपने वर्क किया ना डीडब्ल्यू, ये वर्क ही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी. जो डीडब्ल्यू है, डीडब्ल्यू इज अ वर्क डन. इस वर्क डन, जितना आपने वर्क किया उतना ही एनर्जी स्टोर होगा. वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी. जो वर्क है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी. तो ये ध्यान से देखो, डीडब्ल्यू दिख रहा है, यही सरफेस एनर्जी है. डीडब्ल्यू इज अ सरफेस एनर्जी. तो भले तुम अभी इसको DW लिखो या DU लिखो तो भी चलेगा. U इज अ सिंबल फॉर सरफेस एनर्जी. DU इज अ सिंबल फॉर चेंज इन सरफेस एनर्जी. जितना वर्क किया वो सरफेस एनर्जी में आ जाएगा. DW को DU लिखेंगे, डिवाइड बाय DA. अब हमने ये डेरिवेशन एक करके प्रूफ किया था. डेरिवेशन हमने किया था कि DW बाय DA इज इक्वल टू T. DW बाय DA इज इक्वल टू T. T क्या है? T सरफेस टेंशन है. DW बाय DA इक्वल टू सरफेस टेंशन होता है. याद रखो DW बाय DA इज T. क्लियर? इसको अगर आप थोड़ा रीअरेंज करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो DW इज T इंटू DA. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल MCQ बनते हैं इस फॉर्मूला पे. DW इज T टाइम्स DA. तो याद रखो, the work done to increase the area of the surface, that work stores in the surface in the form of potential energy, and that is known as surface energy. Clear? Yahan tak samajh ke lo. DW is T into DA. DA kya hoga? Aman Kumar pooch raha hai ki DA kya hota hai. DA is a change in area. Theek hai, agar dekho tumko ye mathematically nahi samajh mein aa raha na, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा सकता हूं. ये देखो, सपोज ये लिक्विड की एक सरफेस है, दिख रही है? ये लिक्विड की एक सरफेस है, इसकी एरिया ए है. इट्स एरिया इज ए. अब इस सरफेस में हो सकता है कोई एनर्जी स्टोर हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है कि कुछ एनर्जी स्टोर हो. वो एनर्जी को मैं यू ले लेता हूं. अगर नहीं स्टोर है, नहीं भी स्टोर है, तो यू जीरो होगा. ठीक है, तो ए एरिया है, यू इसमें एनर्जी है. अब इस ये जो लिक्विड की सरफेस है ना, वो अपने आप को श्रिंक करने की कोशिश करेगी. इट विल ट्राई टू श्रिंक इटसेल्फ. बट मैंने क्या किया, सोचो मैंने सरफेस को खींचा, आई पुल्ड इट सरफेस, और सरफेस ऐसे हो गई. देखो ये वाला पोर्शन, देखो ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया ना. अब इसमें पहले इतना था, देखो अभी इतना हो गया. ये जो एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हुई ना, ये है DA. और अभी टोटल एरिया जो बन गई ना, टोटल एरिया बन गई ए प्लस डी ए.
टोटल एरिया विल बी ए प्लस डी ए, तो चेंज इन एरिया कितना हुआ डी ए। अब इस एरिया को बढ़ाने के लिए आपने वर्क किया होगा ना, ये डी ए एरिया को बढ़ाने के लिए आपने डी डब्ल्यू वर्क किया, तो वो डी डब्ल्यू भी इसी में स्टोर हो जाता है, स्टोर इन दिस। अभी डी डब्ल्यू लिखो यहाँ, ये इसको डी यू लिखो, एक ही बात है, वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा ना। तो अभी ओवरऑल एनर्जी कितनी हो गई, अभी ओवरऑल एनर्जी हो गई यू प्लस डी यू, और एरिया कितनी हो गई ओवरऑल ए प्लस डी ए। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी उसमें स्टोर एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, डायग्रामेटिकली शायद समझा आपको अभी डी ए क्या है। ठीक है, चलो इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं समझा देता हूँ स्टूडेंट रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, लास्ट पॉइंट। एक बार हमने ये लास्ट टाइम किया था कि अगर ये एक बड़ा सा स्फीयर है, ये सपोज स्फेरिकल ड्रॉप है, इस स्फेरिकल ड्रॉप को हमने ब्रेक कर दिया छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में लाइक दिस, अ बिग स्फेरिकल ड्रॉप इज ब्रोकन इनटू स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स। थोड़ा याद करके बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, इस प्रोसेस में द ओवरऑल सरफेस एरिया विल डिक्रीज और ओवरऑल सरफेस एरिया विल इंक्रीज, क्या होगा, किसी को याद है? अगर बड़े से ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर दिया, ओवरऑल एरिया मतलब टोटल एरिया बोल रहा हूं। ओके, अभिषेक मिश्रा, आकांक्षा जोजी, सुहास चलक, सौरभ रजक, ये सब बोल रहे हैं कि एरिया इंक्रीज होगी। यस, आज के लिए एटलीस्ट ये याद रखो कि एरिया इंक्रीज होती है इसमें। मैंने समझाया था ये, जब आप कोई भी बड़े स्पीयर को दो पार्ट्स में भी तोड़ोगे ना, इफ यू ब्रेक द वाटरमेलन इनटू टू पार्ट्स, कट द वाटरमेलन इनटू टू पार्ट्स, उससे सरफेस एरिया बड़ी हो जाती है। इस प्रोसेस में एरिया इंक्रीजेस। तो डू यू फील यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रही है ना, आपने बोला इस प्रोसेस में, तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा ना, वी हैव टू डू वर्क, बराबर। ठीक है, तो एज अ होमवर्क आप क्या करना, एज अ होमवर्क ये वर्क की फॉर्मूला आप खुद देखना, खुद अपने नोटबुक में लिख लेना, खुद डिराइव करना, यू ट्राई टू डिराइव दिस फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क डन टू इंक्रीज एरिया इन दिस प्रोसेस, वो वर्क डन फाइंड करो। ठीक है,